मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो इंडिया को एक पिछड़ा हुआ देश मानते हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर लोग हैं जो ये बोलते हैं कि भैया इंडिया तो पिछड़ा हुआ देश है। अगर आपने पुरानी अमेरिकी कार्टून देखी होंगी तो वहां पर क्या है कि जो इंडियन किसी को अगर दिखाया जाता था तो वो ये सोचते थे आदिवासी लोग हैं, शिकार करके खाते हैं या ऐसे हैं। मैं बता दूं, उन्होंने असली इंडिया देखा ही नहीं है। अभी हम इतना आगे बढ़ चुके हैं लेकिन अभी भी दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग हैं, कुछ कंट्रीज़ के ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि इंडिया बहुत पीछे, जबकि सच्चाई इससे जस्ट अपोजिट है। इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। हाँ, मैं ये मानता हूँ इस कई चीज़ों में हमारा इंडिया अभी इतना अच्छा उतना नहीं कर पाया, लेकिन कई चीज़ों में इंडिया का कोई जवाब नहीं और ज़्यादातर चीज़ों में इंडिया का कोई जवाब नहीं। आज मैं बात करने वाला हूँ इंटरनेट ऑफ इंडिया के बारे में। मैं बात करने वाला हूँ इंडिया में इंटरनेट का क्या सीन चल रहा है भाई, सच्चाई क्या है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, बड़ी बड़ी सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जेंडर के बारे में बात करेंगे कि महिलाएं कितना इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं, पुरुष कितना इस्तेमाल करते हैं और बच्चे और टीनेजर्स किस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब डिजिटल स्फीयर में अगर बात करें, दुनिया में डिजिटल दुनिया में, तो हमारा भारत दूसरे नंबर पर आता है। 451 मिलियन यूजर्स हैं, नेटिजन्स हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं भारत में, और हम आते हैं दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर आता है चाइना 1.136 बिलियन यूजर्स के साथ और हमारा है 451 मिलियन यूजर्स। तो हम सेकंड नंबर पर आते हैं उस हिसाब से कि जिसमें सबसे ज़्यादा देश में इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ बहुत इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको आज से पहले पता नहीं होंगी। ये वीडियो कुछ आंकड़ों की वीडियो है, यहाँ पर मैं कुछ आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा इंटरनेट के बारे में इंडिया को लेकर। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसने और दूसरी कंपनियां और सर्वे कंपनियों के साथ मिलकर एक आंकड़ा तैयार किया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि इंटरनेट जो हमारे रूरल एरियाज़ में होता है वो बहुत कम होता है, लाइक 57%। और बात करें यहाँ पर अर्बन एरियाज़ की, सिटीज़ वगैरह की बात करें, रिहायशी इलाकों की बात करें जो कि शहरों में आता है, वहाँ पर 72% जो भी लोग हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ सामने आई है। और मैं बात करूँ महिलाओं की, तो गांव में महिलाओं का सीन बहुत ही ख़राब है। इंटरनेट यूसेज की बात करें, 28% महिला सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं, जबकि पुरुष को देखें तो वहाँ 57 या 60 के आसपास वो आंकड़ा पहुँच जाता है। तो ये बात साफ़ है कि गांव वाले इलाकों में महिलाओं को इंटरनेट इस्तेमाल करने दिया नहीं जाता या उनके पास उसका एक्सेस ही नहीं है। जेंडर इक्वालिटी नहीं है इन केस ऑफ इंटरनेट यूसेज हमारे इंडिया में। मैं बात करता हूँ ऐसी कुछ सिटीज़ की जहाँ पर सब कुछ इक्वल है। चेन्नई की बात कर लें, हम बात कर लें कोलकाता की, तो ये दो ऐसे शहर हैं जहाँ पर जो इंटरनेट यूसेज है महिलाओं के द्वारा वो 44% या 42% है, लगभग इक्वल है पुरुषों के। तो यहाँ पर महिलाओं को इंटरनेट यूज़ करने के लिए मिल जाता है या एक्सेस हो जाता है। हमारे भारत में इंटरनेट हर जगह पहुँच चुका है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, सुदूर इलाके हैं, कुछ पहाड़ी इलाके हैं, कुछ गाँव के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आज भी सही से इंटरनेट नहीं पहुँच पाया। मैं ऊपर चला जाता हूँ कश्मीर के आसपास, तो वहाँ तो बैन होता ही रहता है, खैर वो तो अलग बात है, लेकिन कुछ एरियाज़ वहाँ पर आज भी हैं। उत्तराखंड के आसपास भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं ठीक से मिल पाता है, उसके आसपास हिमाचल के आसपास कुछ ऐसे ही सुदूर इलाके हैं या कुछ ऐसे पिछड़ी जगह हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, या अगर लोग इंटरनेट वहाँ ले भी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, टावर नेटवर्क ये सब नहीं आते। कुछ लोग इतने गरीब हैं कि इंटरनेट इतना सस्ता होने के बाद भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। यही वजह है कि अभी पेनिट्रेशन हमारे इंडिया में इंटरनेट की 36% है, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन लॉन्ग रन में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 2019 के डेटा। अब मैं बात करता हूँ कि सबसे एक्टिव ग्रुप कौन सा है। सबसे एक्टिव ग्रुप है 16 से 29 साल के जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरनेट चलाते हैं, सबसे ज़्यादा 16 से 29 जवान लोग इंटरनेट चलाने में सबसे आगे हैं। और मैं आपको बता दूँ 66 मिलियन जो भी यूज़र्स हैं वो 5 साल से 11 साल के बच्चे हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के मोबाइल से इंटरनेट चलाते हैं। इनकी मात्रा भाई साहब बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने देखा होगा बच्चों की वीडियोस में बहुत ज़्यादा व्यूज़ होते हैं यूट्यूब पर। अगर आप खिलौने अनबॉक्स कर रहे हो, टॉयज़, हेलीकॉप्टर, ये सब दिखा रहे हो, तो मिलियंस में व्यू होते हैं उसके। तो इससे साफ पता चलता है, और ये सर्वे से भी पता चला है कि ये जो छोटे बच्चे हैं, 5 से 11 साल के जो बच्चे हैं, ये इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर यूट्यूब और ये सारी चीज़ों में देखने के लिए करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप इन एज ग्रुप के लिए कंटेंट बना सकते हैं, आपकी वीडियो में बहुत व्यूज़ आएंगे। अब मैं बात करता हूँ कि बड़ी बड़ी सिटीज़ के क्या हाल हैं, सबसे ज़्यादा इंटरनेट कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है पूरी सिटी में। तो मैं आपको बता दूँ 11.1, ये मुंबई है, 11.1, क्या बात कर रहे हो, 11.1, और ये डेटा आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, मतलब 11 मिलियन तो कहीं नहीं गए, 11 मिलियन लोग मुंबई में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लाइक
वो नेटिजन्स हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे ज़्यादा है। और दिल्ली भी दूसरे नंबर पर ही आता है, मतलब मुंबई और दिल्ली का सीन लगभग थोड़ा आसपास ही है, यहाँ पर थोड़ा 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन नंबर वन पर मुंबई है, नंबर दो पे दिल्ली है, फिर बैंगलोर, चेन्नई और ये सारे 6 मिलियन इसमें यूसेज में आते हैं। अब यही कारण है, मुझसे लोग पूछते हैं कि यार हम बड़ी सिटी में रहते हैं, हमारा इंटरनेट ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा नहीं भाई साहब, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है। जितनी ये साबित है और मैंने ये खुद प्रैक्टिकल देखा है कि मैं जितनी भी बड़े महानगरों में गया हूँ, जैसे मैं दिल्ली में गया हूँ, कोलकाता गया हूँ, अलग अलग सिटीज़ में गया हूँ, या गुवाहाटी में गया हूँ, कैपिटल्स में गया हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है मेट्रो सिटीज़ में कि इंटरनेट की स्पीड बहुत कम होती है। इसका कारण ये है कि जो कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं वो तो सब एक हिसाब से कंट्री के हिसाब से कंट्री में थ्रू आउट द सिटीज़ या जो भी एरियाज स्टेट में या जितनी भी जगह हैं वो सब एक जैसे लगा के रखते हैं, लेकिन सिटीज़ में ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पर लोग छोटे छोटे गांव से लोग काम करने आते हैं, सिटी में ज़्यादा रोज़गार है, फैक्ट्रीज़ वगैरह सब वहीं होती है, तो लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं वहाँ पर और इंटरनेट यूसेज भी ज़्यादा है, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो सब में स्पीड बट जाती है, इसलिए किसी को भी प्रॉपर फास्ट स्पीड नहीं मिल पाती। यही कारण है कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में आप पबजी खेलते हो तो आपका पिंग हाई आता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स हैं, इंटरनेट तो इतना सही जा रहा है, इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो स्पीड बढ़ जाती है, उनको नहीं मिल पाती। जबकि आप उसको अगर कंपेयर करें ऐसी सिटी से जहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं हैं, लाइक मैं उड़ीसा में रहता था, दामनजोड़ी कोरापुट में रहता था, तो वहाँ पर जियो की स्पीड बहुत ही खतरनाक है, बहुत फास्ट चलता है वहाँ पर। लेकिन मैं दिल्ली में गया, वहाँ पर मैं जियो की स्पीड पर पेज ही लोड नहीं हो रहा यार, मैं बोलो अब ये 4G है या तो 2G फास्ट था मेरा। तो ये सीन है। अब मैं बात करता हूँ महिलाओं के प्रति इंटरनेट का क्या। देखो मुझे नहीं पता आपके घर में ऐसा होता है, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जहाँ पर बोलते हैं कि लड़कियों को फ़ोन मत दो, लड़कियाँ बिगड़ जाएंगी। इस चीज़ को मैं सुधार सकता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, पैसे नहीं है इंटरनेट अफोर्ड करने के, दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पैसे होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी लड़कियों को इंटरनेट नहीं दिया जाता। मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जिनको सिर्फ मोबाइल फ़ोन है, उनके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट नहीं है क्योंकि उन्हें बोला जाता है बिगड़ जाएंगे। इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इंटरनेट से दूर कर रहे हैं तो आप लगभग दुनिया से दूर कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पर अच्छे लोग हैं, खराब हैं, अच्छी चीज़ें हैं, खराब चीज़ें, और दुनिया के साथ भी ऐसा ही है, दुनिया में अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं, और आपको उसी के साथ जीना है, आपको उनको डील करना सीखना है। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं सबको, बच्चों को 18 साल से ऊपर हैं या 17 साल से ऊपर है तो उनको इंटरनेट आपको दे देना चाहिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपके बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे। गाँव में तो बहुत बहुत परेशानी है, मतलब लड़कियों के पास इंटरनेट नहीं है, ये डेटा क्या बोलता है, 27% महिलाएं इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं। और मैं आपको बता दूं कि आजकल ऐसा नहीं हो गया कि गांव में जो लड़कियां हैं वो पढ़ी लिखी नहीं हैं, गांव में बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, बहुत समझदार लड़कियां हैं, अगर आप उनको इंटरनेट देंगे तो अच्छे से इस्तेमाल करेंगी। तो ये अवधारणाएँ चेंज करनी है, अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, 2019 चल रहा है, इसमें अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो भगवान ही भला करे आपका, सभी लोग इक्वल हैं, लड़कियां भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं, तो इंटरनेट सबको देना चाहिए, इंटरनेट सबका अधिकार होना चाहिए, मतलब एक राइट, ऐसा लीगल राइट ऐसा कुछ बनना चाहिए कि भैया आपको अधिकार है इंटरनेट इस्तेमाल करने का। तो ये सीन है भाई, गांव में अभी भी महिलाओं को, लोगों को इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है, पेनिट्रेशन काफ़ी कम है। तो ये वीडियो मैंने बता दी, पूरे स्टैटिस्टिक्स बता दिए इंडिया में, पबजी लड़कियाँ इसलिए ज़्यादा नहीं खेल पाती, इंटरनेट नहीं मिलता उनको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप कुछ बदलाव ला सकते हैं, लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं, अब आपको पूरी जानकारी है, आपको पूरे आंकड़े मिल गए कि भैया क्या सीन चल रहा है, क्यों स्पीड कम आती है, कहाँ कितना डेटा है, कितने प्रतिशत महिलाएँ हैं, कितने प्रतिशत पुरुष हैं। तो महिलाएँ बहुत कम हैं, बहुत ये अजीब लगी मुझे चीज़ कि यार लड़कियों को इतना कम इंटरनेट क्यों मिलता है, किसी भी वजह से हो सकता है, कुछ वजह तो मैंने यहाँ पर बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप जानना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन के अलावा भी अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया के बारे में या ऐसे कुछ सीखना चाहते हैं, मुझे बोलते हुए बहुत ही खुशी होती है कि मैं कुछ उन चुनिंदा चैनल्स में से हूँ जो कि ओवरऑल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है और जो सिर्फ अपने चैनल को एक मोबाइल फ़ोन की दुकान बनाकर नहीं रखता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साइबर सिक्योरिटी और आपको इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं, आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, और आप एक लड़की भी हैं तो भी आप एक इथिकल हैकर बन सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लड़का हैं लड़की, टेक्नोलॉजी में सब चीज़ें बराबर हैं। अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, कोई भी एक कोर्स उठा लें, हिंदी में, आसान भाषा में, और मैं आपको बना दूंगा एक इथिकल हैकर सिर्फ 299 रुपीज़ में, जो चीज़ें आपको बाहर बाजार में मिलती हैं 50-60 हज़ार में जो कोर्सेज कराए जाते हैं, उसी का एक निचोड़ निकाल के 299 में लेके आया हूँ। कोई सी भी क्लास में हो आप, कितना भी पढ़े लिखे हो, आप आराम से सीख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।